हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू करलो बात। एज यू नो करलो बात इज अवर क्वेस्ट टू ईज द डिफिकल्ट टॉपिक्स ऑफ लॉ फॉर यू। तो करलो बात पे हमारी भारतीय न्याय संहिता की सीरीज चल रही है ना। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि जितने भी नए ऑफेंसेस भारतीय न्याय संहिता में इस बार इंट्रोड्यूस्ड हो रहे हैं उन सभी ऑफेंसेस के ऊपर मैं वीडियो लेकर के आपके सामने आऊंगा, ठीक है। तो आज की अपनी जो वीडियो है उसका टॉपिक जो है उसका टॉपिक अपन ने लिया टेररिस्ट एक्ट सेक्शन 130। तो चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम मायसेल्फ सुजय दीक्षित एंड लेट अस स्टार्ट कर लो बात। तो देखिए आज अपन अभी टेररिस्ट एक्ट को देखें। देखो टेररिस्ट एक्ट का सबसे पहले सेक्शन 113 अपन देखते हैं, ठीक है। हूएवर डज एनी एक्ट विद द इंटेंशन टू थ्रेटन, तो अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे। हूएवर डज एनी एक्ट विद द इंटेंशन टू थ्रेट और लाइकली टू थ्रेटन द यूनिटी इंटेग्रिटी सोवरेनिटी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। तो जो भी कोई इंटेंशन के साथ थ्रेट करेगा है ना, या लाइकलीहुड है कि भाई फ्यूचर में थ्रेट करेगा किसको, यूनिटी को इंटेग्रिटी को सोवरेनिटी को सिक्योरिटी को या इकोनॉमिक सिक्योरिटी को इंडिया के, और विद इंटेंशन टू स्ट्राइक टेरर या फिर हम इंडिया के ऊपर टेरर स्ट्राइक करे ऐसी उसकी इंटेंशन हो, या लाइकली टू स्ट्राइक टेरर या फिर ऐसा लाइकलीहुड है कि तो करेगा है ना, इन द पीपल टेरर इन द पीपल और एनी सेक्शन ऑफ पीपल इन इंडिया और इन एनी फॉरेन कंट्री, तो इंडिया में करे चाहे फिर बाहर करे। तो अब लेकिन क्या है कि किस तरीके से मींस क्या होंगे। देखो पहला तो डेफिनेशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट बता रहा है, अब उसके बाद ये आपको बता रहा है मींस क्या क्या यूज करेगा टेररिस्ट एक्ट के लिए। तो पहला देखते हैं बाय यूजिंग बॉम्ब्स डायनामाइट और एनी अदर एक्सप्लोसिव सब्सटेंस और इनफ्लेमेबल सब्सटेंस और फायर आर्म्स और अदर लीथल वेपन्स और पॉइजन्स और नॉक्सियस गैसेस और एनी अदर केमिकल्स और बाय एनी अदर सब्सटेंस वेदर बायोलॉजिकल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर अदरवाइज ऑफ अ हैजार्डस नेचर और बाय एनी अदर मींस ऑफ व्हाटएवर नेचर टू कॉज और लाइकली टू कॉज। अब देखो कॉज और लाइकली टू कॉज व्हाट, तो यहाँ नीचे उसकी लिस्ट लिखी हुई है कि इन सारे सब्सटेंसेस को यूज करके वो कॉज को करेगा क्या। तो पहला अपन देखते हैं डेथ और इंजरी टू एनी पर्सन और पर्संस, ठीक है। दूसरा पॉइंट लॉस और डैमेज टू और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। तीसरा पॉइंट डिसरप्शन ऑफ एनी सप्लाईज और सर्विसेज एसेंशियल टू लाइफ और कम्युनिटी इन इंडिया और इन एनी अदर फॉरेन कम्युनिटी, ठीक है, फॉरेन कंट्री, ठीक है। तीसरा लास्ट फॉर फोर्थ डैमेज टू दी मॉनिटरी स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया, मॉनिटरी स्टेबिलिटी समझते हो ना, फाइनेंशियली जो इंडिया की स्टेबिलिटी है उसको डैमेज करना बाय द वे ऑफ प्रोडक्शन और स्मगलिंग और सर्कुलेशन ऑफ काउंटरफीट इंडियन करेंसी। तो देखो आप काउंटरफीट करेंसी को छाप के सर्कुलेट करना भी जो होता है ना, बस स्मगल करना सर्कुलेट करना, तो और करेंसी या कॉइन या फिर ऐसा कोई भी मटेरियल वो भी टेररिस्ट एक्ट का ही पार्ट बनेगा। लेकिन देखो ये डेफिनेशन पूरी है, इस तरीके से ये सब कर रहा है यूजिंग ऑल दीज थिंग्स ना, वो इस पॉइंट पर आता है। आगे बढ़ते हैं अपन, डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया और इन अ फॉरेन कंट्री यूज्ड, जैसे इंडिया की प्रॉपर्टी को डैमेज या डिस्ट्रॉय करना जो या तो इंडिया में स्थित हो, सरकारी संपत्ति होती है ना सरकार की प्रॉपर्टी, या फिर वो इंडिया के बाहर स्थित हो, तो है ना इंटेंडेड टू बी यूज फॉर द डिफेंस ऑफ इंडिया और इन कनेक्शन विद एनी अदर पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर एजेंसी। जैसे इंडिया के बाहर भी जैसे इंडिया के कॉन्सुलेट्स बने हुए हैं उनके ऊपर हमला करना, या जैसे इंडिया का अफगानिस्तान में हाइड्रो पावर प्लांट प्रोजेक्ट है अब उसको जैसे उसको डिस्ट्रॉय करना है ना, तो ये सारी चीजें जो टेररिस्ट एक्टिविटी में शामिल होंगी। अब देखो ओवर एज बाय मींस ऑफ क्रिमिनल फोर्स और बाय शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स और अटेम्प्ट्स टू डू सो और कॉज डेथ ऑफ एनी पब्लिक फंक्शनरी और अटेम्प्ट्स टू कॉज डेथ ऑफ एनी पब्लिक फंक्शनरी। अब पब्लिक फंक्शनरी की डेफिनेशन अभी जस्ट आगे आने वाली है, वैसे ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बात कर रहा है यहाँ पे। डिटेन्स किडनैप्स और अबडक्ट्स एनी पर्सन एंड थ्रेटनिंग टू किल और इंजर सच पर्सन और डज एनी एक्ट इन ऑर्डर टू कंपेल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनी स्टेट गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री और एन इंटरनेशनल और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और एनी अदर पर्सन टू डू सो और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग ऑफ एनी एक्ट कमिटेड टेररिस्ट एक्ट। तो मतलब यहाँ देखो सारे पॉइंट चल रहे हैं, डैमेज करेगा, ओवरेज करेगा, डिटेन या किडनैप या एबडक्ट करेगा किसी व्यक्ति को, ठीक है, और उससे थ्रेटन करेगा, किल करेगा, इंजर करेगा, ये सारी डेफिनेशन यहाँ देखना है ना, कंपेल करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी स्टेट को, हमारे स्टेट गवर्नमेंट को या फॉरेन कंट्री के किसी सरकारी गवर्नमेंट को या फिर इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को, ये सारी बातें यहाँ पर कह रहा है। आगे अगले पॉइंट पर आए, अब देखो मैंने बोला था ना, अब अपने को दो डेफिनेशंस यहाँ पर समझाई गई है। जैसे उसने बोला था पब्लिक फंक्शनरी, तो पब्लिक फंक्शनरी का मतलब क्या होगा, मींस द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी और एनी अदर फंक्शनरी नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, एज पब्लिक फंक्शनरी मतलब सरकारी अफसर है ना, सरकारी ऑफिसर। अगला पॉइंट काउंटरफिट इंडियन करेंसी मींस द करेंसी काउंटरफिट करेंसी एज मे बी डिक्लेयर्ड आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ एन ऑथराइज्ड और नोटिफाइड फॉरेन करेंसी दैट सच करेंसी इमिटेट्स और कॉम्प्रोमाइजेस विद द की सिक्योरिटी फीचर्स ऑफ द इंडियन करेंसी। तो काउंटरफिट इंडियन करेंसी का मतलब ये है कि भाई जो भी इंडियन करेंसी को के फीचर्स को यूज करते हो, नकली करेंसी हो, लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा कि करेंसी सही नकली है, तो यहां पर हमारी फॉरेंसिक अथॉरिटी इस बात को डिसाइड करेगी। आगे बढ़ते हैं हुएवर कमिट्स अ टेररिस्ट एक्ट, अब देखो यहां से अपन पनिशमेंट्स देखेंगे, ठीक है। तो पहला देखो
If such offense has resulted in the death of any person, be punished with death or imprisonment for life and shall also be liable for fine. तो अगर टेररिस्ट एक्ट किया और किसी की डेथ हो गई तो वही सिंपल पनिशमेंट, या तो डेथ या इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ, साथ में फाइन. इन एनी केस, या इसके अलावा कोई भी केस हो, इन एनी अदर केस, बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट ऑफ अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 5 years बट विच मे एक्सटेंड टू इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड शैल ऑल्सो बी लायबल फॉर फाइन. तो यानी मिनिमम 5, मैक्सिमम लाइफ इंप्रिजनमेंट, या साथ में फाइन भी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Whoever conspires, अभी कॉन्स्पिरेसी वाले, whoever conspires or attempts to commit or advocates, abets or advises, है ना, जो या एडवोकेट करे यानी उनको सपोर्ट करे, अबेट करे, है ना, या एडवाइस करे, इंसाइट करे, ये सब होता है. एडवाइस मतलब एडवाइस करना इन लोगों को, या इंसाइट करना मतलब भड़काना, है ना. डायरेक्टली और नोइंगली फैसिलिटेट्स द कमीशन ऑफ अ टेररिस्ट एक्ट और एनी एक्ट प्रिपरेटरी टू द कमीशन ऑफ द टेररिस्ट एक्ट, यानी टेररिस्टों को रखना, उनको सप्लाई करना इक्विपमेंट्स, है ना, उनको बढ़ावा देना, मतलब कुल मिला के, शैल बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट ऑफ अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 5 years बट विच मे एक्सटेंड टू द इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड शैल ऑल्सो बी लायबल फॉर फाइन. तो फिर क्या हुआ, मिनिमम फाइन हो गया, मिनिमम मतलब क्या 5 साल की सजा, मैक्सिमम लाइफ इंप्रिजनमेंट और साथ में फाइन. आगे बढ़ते हैं. Whoever organizes or causes to be organized any camp or camps for imparting training of terrorist act, तो ये जो training camps होते हैं ना, उनकी बात हो रही है. और recruit or causes to be recruited any person or persons for commission of a terrorist act shall be punished with imprisonment of a term which shall not be less than 5 years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable for fine. तो ये terrorist camps चलाने पर है. अगला आते हैं और टेररिस्टों को recruit करने के लिए. अगला point है, any person who is a member of an organization which is involved in terrorist act shall be punished with imprisonment for a term which shall be extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine. तो मतलब any person who is a member of an organization involved in terrorist act. तो ये वही सारी terrorist organizations है, ठीक है, आदमी उसका member है तो उसको कितनी सजा मिलेगी, फिर वही simple, for a term which may extend to imprisonment for life and shall also be liable for fine. ठीक है, तो any term up to imprisonment for life plus fine, right? अगला, whoever voluntarily harbors or conceals or attempts to harbor or conceal any person knowing that such person has committed a terrorist act. Harbor मतलब समझते हो ना, पनाह देना, कि जिसने terrorist act किया हमने उसको अपने घर में फिर या अपनी organization कहीं भी जगह मिली वहां उसको टिका लिया, ठहरा लिया. तो ऐसा कोई भी व्यक्ति करेगा ना, तो shall be punished with imprisonment of a term which shall not be less than 3 years but which may extend to the imprisonment for life and shall also be liable for fine. तो minimum कितना है यहाँ पर, 3 साल का है, maximum imprisonment for life और साथ में fine. अब देखो, provided that this subsection shall not apply to any case in which harbor or concealment is by spouse of the offender. तो मतलब अगर offender अपने spouse के साथ रहता हो ना, तो उसके spouse को, यानी spouse मतलब होता है जोड़ा, शादी कर ली ना, तो husband को wife संभाल रही है, wife को husband रख रहा है, तो ऐसे केस में जो दूसरा बंदा होगा ना, या wife होगी, तो उनको सजा यहाँ पर नहीं मिलती. आगे आते हैं, whoever knowingly possesses any property derived or obtained from commission of any terrorist act. मान लो terrorist act हुआ, कोई property derived हुई थी, वो हमारे को देके चले गए, तो अगर हम उसको जानबूझ कर, हमें पता है कि terrorist act की संपत्ति है, और हम knowingly उसको possess करते हैं ना, any property derived or obtained from commission of any terrorist act or acquired through the commission of any terrorist act shall be punished with imprisonment of a term which may extend to imprisonment for life and shall also be liable for fine. तो up to imprisonment for life plus साथ में fine. अब explanation देख लेते last में. For removal of doubts, it is hereby declared that officer not below the rank of superintendent of police shall decide whether to register a case under this section or under the Unlawful Activities Prevention Act of 1967. आपको पता ही है कि usually terrorist act unlawful UAPA में लगते थे, लेकिन अब यहाँ पर IPC में भी हमारे पास, sorry, भारतीय न्याय संहिता में भी हमारे पास section 113 है, तो अब ये यहाँ पर superintendent of police decide करेगा कि केस कॉस किस में रजिस्टर करना है, उसमें रजिस्टर करना है, ये मतलब BNS में रजिस्टर करना है या सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस में रजिस्टर, मतलब या फिर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में रजिस्टर करना है. चलिए, तो ठीक है. सो सी, विद दिस वी हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ टेररिस्ट एक्ट, राइट, एंड थैंक यू सो मच, एंड सी यू इन अनदर सच वीडियो. थैंक यू.